जो भविष्य के बारे में आगे का जानते हों, उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता है क्या? काश के मुद्दों से हट जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, उग्रवाद, नक्सलवाद, इन चीज़ों पर आ जाते हैं कि हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है, भूखों मर रहा है, मरने दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, यहाँ का मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, आप जाइए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, जाकर के पाकिस्तान को इंडिया मिला लीजिए। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, और धर्म के नाम का चश्मा जिस दिन उतार करके देखा जाएगा तो हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। हाँ, कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर का जो विषय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के रूप में वो काम करते हैं। पहले भी उन्होंने मलाई खाई है और अब कहीं इससे मिल रहे हैं, कहीं उस बड़े नेता से मिल रहे हैं, तो इससे लगता है अगर कहीं अगर आप बहुजनों के हित में कोई काम करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठ के बात करना चाहिए, चाहे वो अखिलेश हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे जयंत चौधरी हों। देखो यहाँ पर क्या विषय है, यहाँ पर विषय है कि हम किस तरीके से बीजेपी को रोकें। और जाति जनगणना हम जब ही करा सकते हैं जब हम कन भारत से बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे, तभी ये हो सकता है संभव। लेकिन अंततः बीजेपी जब तक रहेगी तब तक जाति जनगणना नहीं होने वाली। जब कोई अत्याचार होता है, कहीं पीड़ा होती है, तो हम लोग उनके साथ में खड़े होते हैं, और ये बात आपको भी पता है, हर मीडिया वालों को पता है। आज भारत में अगर पूरी विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी निभा रही है। ऐसा देश के अंदर कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है जहां हम लोग पीड़ित की आवाज़ को नहीं उठाते और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। क्या ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन होगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वो बात करते हैं जय भीम और जय भीम की? नहीं, तो हम उन पे तो कोई बात नहीं करना चाहते, वो तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला। निर्देश नहीं आया अभी? नहीं, अभी निर्देश जो है सिर्फ यही आया है कि हम लोग मजबूती के साथ 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दो तीन दिन पहले चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ, उस पर जो है कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, उस पर बिल्कुल कहना चाहेंगे। जिस तरीके से ये कायराना जो हमला किया गया है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, कहीं ना कहीं हताशा है, निराशा है उनको। जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बढ़ते हुए कदम इनको रास नहीं आ रहे हैं, आज जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ियों हो, हर जगह पर वो पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं बढ़ना गए तो कायराना हरकत है जिस तरीके से ये हमला किया गया है। और अभी तक कोई भी बड़ा ठोस कदम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ नहीं उठाया गया। कहना चाहता हूं जिन लोगों को कथित माफियाओं ने मारा गया और वो भी पुलिस की निगरानी में मार दिया गया, इससे पहले कोर्ट में जज साहब इलाहाबाद हमारे यहां पे जो कोर्ट में पता लगा वहां पर भी गोलियां चलाई जाती हैं, जज जा रहा है। और मुझे दिक्कत इस बात की है जिन लोगों को किसी भी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, जो लोग कहते हैं बाबा हैं या कोई इस तरह के गुरु हैं, उन लोगों को जो दूसरे की पर्चियां निकाल रहे हैं जिन्हें भविष्य की जानकारी है, क्या उन लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जो भविष्य के बारे में आगे का जानते हों उन्हें सिक्योरिटी की आवश्यकता है क्या? नहीं होनी चाहिए। और जो राजनेता हैं वास्तविकता में, जिन लोगों को ज़रूरत है सिक्योरिटी की, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। बाबा बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, करना चाहूँगा, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई है और उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे वो तो अखंड भारत की मांग करें तो अच्छा है ना। अखंड भारत जो हमारा संविधान हमें परमिशन देता है, यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अयोध्या हो, पारसी हो, सभी को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने जो है सभी को बराबर का अधिकार दिया है, ना कि हिंदू और मुस्लिम का अधिकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या किसी भी चीज़ पर बात करो तो वो विकास के मुद्दों से हट जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, उग्रवाद, नक्सलवाद, इन चीज़ों पर आ जाते हैं। विकास की बात या विकास के मुद्दों पर आना ही नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हमें आज बात कर रहे हैं लोग, कोई कहता है पाकिस्तान की, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है, भूखों मर रहा है, मरने दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, यहाँ का मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, आप जाइए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, जाकर के पाकिस्तान को इंडिया मिला लीजिए। भाई, इंडिया का ही तो एक हिस्सा था, किसी ना तो मुस्लिम ने रोका है और ना ही तो हिंदू ने रोका है। इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, और धर्म के नाम का चश्मा जिस दिन उतार करके देखा जाएगा तो हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। बात यह है। तो ये मंडल अध्यक्ष जो अपनी बात रख रहे थे, देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते दीदी भारत, मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।